मैं इमरान खान आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्मार्ट हेल्प पर। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार आप अपने फ़ोन के एक मैसेज के जरिए अपने फ्रेंड की पूरी पर्सनल बातें सुन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने फ़ोन से एक मैसेज सेंड करना है अपने फ्रेंड के फ़ोन पर, जिससे कि उस फ्रेंड के फ़ोन से ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल बैक आ जाएगा, और वो भी उस फ्रेंड को बिना बताए। उस फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा अगर आपने उसके फ़ोन से ऑटोमेटिकली कॉल बैक करवा दिए और आप उसकी पूरी पर्सनल बातें सुन रहे हैं। और फ्रेंड, आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे पर डे हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं और नई नई ट्रिकें अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हमारे नए वीडियो देखने को मिले। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस ट्रिक को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। देखिए किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ्रेंड की पर्सनल बातें सुन सकते हैं। और फ्रेंड, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस ट्रिक का यूज़ इलीगल तौर पर मत कीजिए, जिससे कि आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। थैंक यू। अब इस वीडियो को कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये ट्रिक समझ में आ जाए। और जब भी आपको कभी ये ट्रिक समझ में ना आए तो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट पर कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपका पूरा सॉल्यूशन कर सकें। हाँ फ्रेंड, अब प्ले स्टोर खोलना है अपने। प्ले स्टोर खोलने के बाद प्ले स्टोर में लिखना है टिकल माई फोन। ये आ गया है टिकल माई फोन, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसे इंस्टॉल करना है, एक्सेप्ट। अब इसे ओपन कर दीजिए। ये ओपन हो रहा है, इसमें स्लाइडिंग करके सबसे नीचे ऑप्शन है आई एक्सेप्ट, या ओके कर देना है ग्रीन वाले बटन पर। ओके करने के बाद यहाँ पर वी सी लेटर करना है, विल सी लेटर। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैनेज एसएमएस टेक्स्ट मैसेज रूल, इसमें सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है हाइड टिकल माई फ़ोन कमेंट। इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर आपके फ्रेंड के मोबाइल पर मैसेज सेंड करते हैं तो उस फ्रेंड को कोई नोटिफिकेशन शो नहीं होगी, ना कोई साउंड वगैरह शो होगा, और ये साइलेंट ही काम करेगा। इसके लिए ओके करना है। ओके करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वाइब्रेट है, वाइब्रेट एंड सेकंड है, पॉपअप सेटिंग है, प्ले डिफ़ॉल्ट रिंगटोन है। अपने इतने यूज़ नहीं करने, आज का डिफ़ॉल्ट हमारे जो सब्जेक्ट है उसी पर वर्क करना है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है कॉल बैक पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कॉल मी बैक। ये कॉल मी बैक एक तरह से कोड है, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं देना है। और इसके नीचे जो दिया हुआ है बटन दिस फंक्शनलिटी इज स्विच्ड ऑन, इसको ऑन ही रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है। इसको ऑन करके ये यहाँ से सेव कर देना है। ये मैंने सेव कर दिया है, इसको बैक कर देना है। और ध्यान रखें फ्रेंड, आप अपने फ़ोन पर जब भी मैसेज टाइप करेंगे उसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है और कैपिटल ही लिखना है, बैक कर देंगे। ये बैक आ गए बिल्कुल ही बाहर। अब हमारा दूसरा फ़ोन है, उसको हम देखेंगे कि कैसे मतलब अब मैसेज सेंड करना है। अब हमें मैसेज बॉक्स खोलना है, मैसेज बॉक्स खोल दिया। इसमें न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैसेज
टाइपिंग मैसेज में लिखना है कॉल मी बैक, यहाँ पर उस फ्रेंड का नंबर डाल देना है। हमें यहाँ पर नंबर लिखना है जिस पर हमें मैसेज करना है उसी को, नंबर 95 और इसे सेंड कर देना है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही देखो ये कॉल रिसीव हो रहा है एक मैसेज करते ही। यही हमारी आज की ट्रिक थी कि ऑटोमेटिक मैसेज रिसीव हो रहा है। अगर ये फ्रेंड, अगर ये वीडियो